जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों यूपी में चल रही है। बीते सोमवार को राहुल की यात्रा अमेठी पहुंची थी। कहा जा रहा था कि इस यात्रा में राहुल के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी नजर आएंगे, लेकिन अब इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सपा प्रमुख ने खुद को राहुल की इस यात्रा से अलग कर लिया है, वह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि 4-5 सीटों को लेकर दोनों के बीच मामला फंसता जा रहा है। दरअसल बीते सोमवार को अखिलेश ने बयान देते हुए कहा था कि जब तक सीटों पर स्थिति साफ नहीं होती है, तब तक समाजवादी पार्टी राहुल की यात्रा में साथ नहीं देगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। बता दें कि कल सोमवार को ही सपा ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। सपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें देने का फाइनल ऑफर दिया है, लेकिन खबर है कि बिजनौर और मुरादाबाद सीट पर बात फंस रही है। कांग्रेस इनमें से एक सीट चाहती है। सपा ने 11 सीटें बढ़ाकर कांग्रेस को 15 सीटें देने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी से 3 और सीटें की मांग की थी। अखिलेश यादव ने 2 सीटें बढ़ाकर कुल 17 का फाइनल ऑफर दिया। इसके बाद कांग्रेस मुरादाबाद या फिर बिजनौर सीट लेने पर अड़ी हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी ने प्रियंका गांधी के कहने पर दानिश अली के लिए अमरोहा और इमरान मसूद के लिए सहारनपुर सीट छोड़ दी है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने भी सोमवार को सपा प्रमुख से अपील करते हुए कहा था कि उन्हें यात्रा में शामिल होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राहुल जी को निमंत्रण दिया था इस यात्रा में शामिल होने के लिए, और राहुल जो उन्होंने इस यात्रा में आने की सहमति दी थी वो अपने पत्र से लिख कर दिया था कि मैं रायबरेली अमेठी में दोनों में से कहीं भी शामिल होऊंगा अखिलेश जी ने। और निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको इस यात्रा में वो शामिल होना चाहिए। और निश्चित तौर से जो बात ये चल रही है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही अच्छे वातावरण में बात चल रही है, और बहुत ही जल्द इसका सकारात्मक परिणाम आएगा और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। बता दें कि राहुल की यात्रा आज रायबरेली से शुरू हो रही है और लखनऊ पहुंचेगी। इस दौरान राहुल का मोहनलालगंज में स्वागत किया जाएगा और शाम में वो लखनऊ सिटी में ही रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।